नर्सिंग होम के विरुद्ध लगातार तीसरे दिन चला अभियान, अब तक 13 निजी नर्सिंग होम हुए सील। मधुबनी सिविल सर्जन के आदेश के आलोक में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जिले में संचालित अवैध नर्सिंग के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत अब तक 13 अवैध नर्सिंग होम को सील किया गया। विदित हो कि बुधवार को 5 नर्सिंग होम और गुरुवार को खुटौना में 5 बेनीपट्टी और 1 पंडाल कटैया रोड बेनीपट्टी को डॉक्टर कुलान कौशल के नेतृत्व में सील किया गया था। जिले में अब तक 13 नर्सिंग होम को सील किया गया, जिसमें पंडौल प्रखंड के शिशु आरोग्य नर्सिंग होम बाबूबरही प्रखंड में लाइफ केयर नर्सिंग होम और एडवर्स नर्सिंग होम रहिका प्रखंड के सप्ताह में आयोग्यशाला हॉस्पिटल और जीवन चौक स्थित जीवन गंगा नर्सिंग होम को भी सील किया गया। छापेमारी और जांच दल ने 3 निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम के कागजात, उपकरण और चिकित्सक की जांच की। जांच के क्रम में अपेक्स क्लिनिक का निबंधन सही पाया गया, लेकिन एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जांच में जीवन गंगा पॉलीक्लिनिक और आयोग्यशाला का भी सभी कागज अवैध पाया गया। रोगी के कमरे को बंद नहीं किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि इन सभी अवैध क्लिनिक को बंद करने के लिए सूचना दी गई है। इसके बाद भी संचालक द्वारा चोरी छुपे क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद पुख्ता सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई है। मामला दर्ज करने के लिए सिविल सर्जन को जांच में पाए गए कागजात सौंप दिए गए। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, पैथ और एक्सरे की गहनता से जांच करी है। इसके लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। जांच दल में डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर गणेश साहू, आयुष शामिल रहे। कानूनी संघ न्यूज़ के लिए मधुबनी से मोहम्मद कैफ के